हेलो फ्रेंड्स, एसडी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। कितना सुंदर डिजाइन है, इसको आप स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना है। अब ये कैसे बनाना है ये मैं आपको अब बताऊँगी। हमारे साथ आप भी बनाइए और देखिए कैसे बनाना है। पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप उल्टी साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। हमने 6 फंदों की डिब्बी बनाई है, आप इसमें 8 फंदे भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर बनकर आती है। पहले पूरी रो हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड से। ये देखिए, उल्टी साइड से पहले पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब कैसे बनाएंगे इसको, ये देखिए आप। फर्स्ट फंदा स्लिप किया, धागा आगे करेंगे। धागा आगे करके 1 2 3 4 4 फंदे हमने उल्टा बुने। धागा पीछे करेंगे और देखिए फिर कैसे बनाएंगे आगे। ये फर्स्ट वाले फंदे को इस प्रकार बनाएं, ऐसे एक फंदा लिया और इसको डबल धागे से लपेट लिया, ऐसे एक बार लपेटा, दो बार, ऐसे 6 फंदे हमने इसी प्रकार से बनाने, ऐसे ऐसे। ये देखिए, एक बार ऐसे, दो बार। अब फिर धागा आगे करेंगे। ये डिजाइन की फर्स्ट रो है। उल्टी साइड से हमने सिंपल रो कंप्लीट की है, 4 फंदे फिर उल्टे, फिर 6 फंदे इसी प्रकार से बनाएंगे। धागा लपेट कर ऐसे, ये देखिए, दो बार धागा लपेटे और इस तरह से बुन लें। ये देखिए, 6 फंदे हमने इस तरह से लपेट कर बनाए, 6 और 4 10, यानी कि 10 फंदों का आपको मल्टीप्लाई करना है। बीच में गैप जो है आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने 4 4 फंदे लिए हैं, आप 6 फंदे भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब आगे हम उल्टी साइड, उल्टी साइड में देखिए, ये 4 फंदे हम पहले उल्टा बुनेंगे। 4 फंदे उल्टा बुनने के बाद अब ये 6 फंदे हम खोल देंगे, ऐसे 6 फंदे खोला और फिर से, ये देखिए, ऐसे फिर से 4 फंदे बनाएंगे, 3 और ये 4। अब फिर 6 फंदे खोल देंगे, 3 4 5 और ये 6। ऐसे ही फिर 4 फंदे बनाएंगे उल्टा। अब आगे हम सीधी साइड, सीधी साइड में देखिए कैसे करेंगे। तीन चार, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए आप, ये 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों में 3 फंदे पीछे से लीजिए आप। पीछे के 3 फंदे इन 3 फंदों के ऊपर से गिराएंगे, ऐसे, ये देखिए,
और इसी सिलाई पर रखेंगे। अब एक एक करके इन फंदों को हम ऐसे बनाएंगे। ये देखिए बैक साइड से इस प्रकार बना लेंगे। ये छह फंदे हमने इस तरह से बुनने, फिर चार फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये देखिए तीन फंदे ये, तीन ये, छह फंदे हैं। तो पीछे वाले तीन फंदे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब इसके ऊपर रखा और इनको बुन लेंगे, एक दो और ये तीन, ये चार पांच और ये छः, छः फंदे इस तरह से बनाए। चार फंदे उल्टा बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिब्बी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप गैप के लिए जितनी सिलाइयाँ डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं। दो सिलाई डालिए, चार सिलाई डालिए, पूरी सिलाई उल्टा उल्टा इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। हमने चार चार सिलाइयाँ बीच में गैप के लिए डाली हैं। आपकी इच्छा है आप चार सिलाई डालेंगे, ये छह सिलाई डालेंगे। अगर छह सिलाई डालेंगे तो डिब्बी आपकी बड़ी हो जाएगी, और चार सिलाई डालेंगे सिलाई बराबर डालना, जिससे बराबर डिब्बियाँ बनती रहे। अब फिर से वही फर्स्ट रो आपको यहाँ पर डालनी है। यही देखिए ये चार सिलाइयाँ आपको यहाँ सिंपल कंप्लीट करनी है। इसमें कोई ना उल्टे फंदे करने ना सीधे फंदे करने, सारे फंदे हमने सीधा सीधा बुनने हैं, और इस तरह से हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाइए, ना उल्टा बनाना ना सीधा बुनना, पूरी सिलाई आप इस प्रकार से सीधी सीधी बुनिए। अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे साथ इसी प्रकार से बनाते रहिए। धन्यवाद।